नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। वेकुली कन्हान क्षेत्र की मुआरी कोयला खदान एवं रामपुर तांसी कोयला खदान को कन्हान क्षेत्र प्रबंधक द्वारा बंद कर दिए जाने के विरोध में विधायक सुनील उइके ने 29 एवं 30 जनवरी को सत्याग्रह व पद यात्रा का आयोजन किया, जिसका शुभारम्भ आज रामपुर तांसी से विधायक व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जो की दमुआ घोड़ावाड़ी डुंगरिया होते हुए जीएम ऑफिस कार्यालय पहुंची, जहां पर रात्रि में विधायक एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह किया जाएगा एवं कल 30 जनवरी को जीएम ऑफिस से यात्रा का शुभारंभ करते हुए जुनार्दो बस स्टैंड जमकुंडा नजरपुर गुड़ी बस स्टॉप होते हुए माता रानी के दरबार हिंगलाज मंदिर पहुंचेगी, जहां पर पूजन अर्चन कर निकाली गई पद यात्रा का समापन किया जाएगा। गौरतलब हो कि कन्हान क्षेत्र की मुआरी खदान एवं रामपुर तांसी खदान को महाप्रबंधक द्वारा पर्यावरण एनओसी की बात कही जाकर विगत माह बंद कर दिए गई है, जिससे कि कोलांचल का कहीं न कहीं व्यापार प्रभावित होगा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के अन्य ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिनको लेकर विधायक सुनील उइके एवं कांग्रेसियों द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं सत्याग्रह करने की बात कही है एवं जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र की सुविधाओं को उपलब्ध कराने सहित कन्हान क्षेत्र की बंद हो रही कोयला खदानों को पुनः चालू करने की मांग विधायक एवं कांग्रेसियों द्वारा की गई है। विधायक द्वारा निकाली गई सत्याग्रह एवं पद यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों का सहयोग रहा, तो वहीं कन्हान क्षेत्र के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चा संघ के पदाधिकारी भी आज हाथ से हाथ मिलाकर विधायक के साथ में पद यात्रा में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। से सभी हमारे ट्रेड यूनियन के सहयोग से ये एक पैदल मार्च यात्रा, हमने एक सांकेतिक यात्रा यहाँ पर निकाली है। दो दिन की ये यात्रा है और ये खदान खोलने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हमारे जो क्षेत्र में WCL के मकान है उनका मालिकाना हक मिले उसके लिए, और क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ बच्चा स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमें दमुआ का तहसील का दर्जा चाहिए, दमुआ विकासखंड का दर्जा मिले, ऐसे न्याय मिले। जो अन्याय 20 साल से ये सरकार कर रही है उस पर हमको न्याय मिले, उसके लिए ये पदयात्रा निकली और आगे भी ये लड़ाई। जुन्नारदेव पुलिस ने बीती रात्रि अलग अलग छापेमारी करते हुए लगभग 121 लीटर अवैध शराब की जब्ती की है। मामले के संदर्भ में जुन्नारदेव थाना प्रभारी RP कौरेती से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर बीती रात्रि थाना क्षेत्र के में अलग अलग पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पर लगभग 121 लीटर देसी महुआ शराब की जब्ती की है, जिस पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की है। तो वहीं इन सभी के बीच में मुख्य सरगना, जो कि देसी शराब का सप्लायर भी करता था, उस पर पुलिस ने 34-2 की कार्रवाई की गई है। देखिए यह रिपोर्ट। जुन्नारदेव पुलिस ने बीती रात्रि आबकारी से जुड़े 6 प्रकरणों पर कार्रवाई की, क्या है सर? हाँ, कल विशेष मुहिम चला करके अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरण शराब के तैयार किए गए हैं, जिसमें मुख्य सप्लायर के विरुद्ध 34-2 की कार्रवाई, 60 लीटर जब्ती, और अन्य प्रकरणों में किसी से 10, किसी से 15 लीटर इस तरह की जब्ती होने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लगभग कितनी पकड़ाई गई है सर? टोटल 6 प्रकरण में 121 लीटर की जब्ती हुई है अवैध कच्ची शराब मामले की। थैंक यू। आगामी 5 फरवरी को प्रारंभ होने वाले बोर्ड परीक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नल्लासूद उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया, जहां पर गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा संवाद का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नत्था शाह कोरेती, BEO OP जोशी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं स्कूली छात्र उपस्थित रहे। देखिए लाशुद स्कूल में प्रधानमंत्री संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, क्या है सर उसका? माननीय प्रधानमंत्री जी, बच्चों को परीक्षा पे चर्चा पर कार्यक्रम आयोजित है, इसमें यहाँ पर दोनों स्कूलों के 1000 बच्चे और सम्मानित पालकगण, साथ ही हमारे पूर्व विधायक श्रीमान माननीय लक्ष्मण सर कवेती जी भी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को आगामी 5 फरवरी से आयोजित बोर्ड परीक्षा के संबंध में बच्चों का जो तनाव होता है उसको कम करने के लिए और कैसे परीक्षा की तैयारी करें उसके बारे में यहाँ संवाद किया जा रहा है।
जुन्नारथो जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाला चोरई स्थित सरस्वती शिशु विद्यालय में पूर्व छात्रों के महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर समिति अध्यक्ष द्वारा सभी पूर्व छात्र एवं शिक्षकों को साल व श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित शिक्षक एवं छात्रों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। तो वही समिति के अध्यक्ष विनोद बारस्कर ने प्राचार्य एवं शिक्षक सहित सभी का सम्मान करते हुए उन्हें आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। सरस्वती शिशु मंदिर बूढ़ी पालाचोरी में पूर्व छात्रों का सम्मेलन करवाया गया। यह सम्मेलन विगत 14 वर्षों बाद हुआ है और लगभग 150 छात्रों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दी है और इसी अवसर पर उन्हीं छात्रों के द्वारा वर्तमान में विद्यालय में अध्यापन कार्य करने वाले आचार्य एवं दीदियों को श्रीफल और साल का वितरण भी किया गया।